राज, अगर अपन दोनों की जिंदगी में कोई ऐसा चमत्कार और अपन 20 साल आगे चले जाए तो क्या होगा? सवाल बहुत अच्छा तुम्हारा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर ये लोग दे पाएंगे बेहतर, क्योंकि इनकी कहानी में आ चुका है ली। अब इनकी कहानी में क्या मोड़ आया है देखते हैं। बाप के रहते हुए बच्चों को कोई छू नहीं सकता, वरना उसका हाल इन्हीं गुंडों की तरह होगा, जैसे आज ऋषि सबको कपड़े की तरह धो रहा है। वो बात अलग है कि ऋषि को अभी ये नहीं पता कि पार्वती उसकी बेटी है, लेकिन अपनेपन का एहसास उसे जरूर है, और उसकी नजरों के सामने अगर कोई उसके कान मरोड़े तो ऋषि उसकी हड्डियां जरूर तोड़ेगा। बात दरअसल यह है कि कुछ दिन पहले पार्वती ने गुंडों को सबक सिखाया था, उसी के कारण ये लोग आए हैं उससे बदला लेने। लेकिन उन्हें क्या लग रहा था कि बच्ची को मारकर वो आसानी से निकल जाएंगे, वो भी ऋषि के रहते हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऋषि ने गुंडों की ऐसी धुलाई की जैसे घाट पर कोई कपड़ा धोता हो, ले दनादन ले दनादन, मानो जैसे मुक्कों की बारिश हो रही हो। क्योंकि ऋषि अपनों की रक्षा करना जानता है, और अपना हो या ना हो तो क्या हुआ, कोई अगर छोटी बच्ची पर जुल्म करेगा तो उसे उसकी सजा ऋषि जरूर देगा। हालांकि ये सीन करते हुए काफी ख्याल रखा गया, जूनियर आर्टिस्ट को कहीं चोट ना लग जाए इसका भी एहसास ऋषि को है। पूरी सेफ्टी के साथ ये सीन शूट किया गया है। वैसे अच्छा हुआ ऋषि सही समय पर आ गया, वरना लक्ष्मी को एक और झटका लग सकता था। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। इंसान नकली है या असली, इसकी पहचान कैसे होगी? उसके प्यार से, क्योंकि एक इंसान का प्यार झूठ कभी नहीं बोलता है, ठीक उसी तरह जैसे मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठ नहीं और तुम्हारा प्यार मेरे लिए झूठा नहीं है। लेकिन ये तुलसी जो है ना, उसे नहीं समझ पा रहा हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है, लोग उसे समझ पाएंगे? क्या पता, जानने के लिए देखिए ये खबर। ड्रामा ड्रामा और ड्रामा, तुलसी जब से मोहन की जिंदगी में आई है तब से उसका ड्रामा बंद होने का नाम नहीं ले रहा। अब देखिए, हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था जहां वो ठीक तो हो गई, लेकिन किसे पता था कि वो हॉस्पिटल की छत से कूदकर अपनी जान देने वाली है। तुलसी ने सोच लिया है कि आज वो अपनी जान देकर रहेगी, लेकिन जिसे जान देनी होती है वो ड्रामा नहीं करता, और ये बात राधा बखूबी जानती है कि तुलसी सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। हाँ सच में, क्योंकि तुलसी तो थोड़ी सी पागल भी है, और उसे पता भी है मोहन उसे इतना प्यार करता है, पागलों की तरह प्यार करता है कि वो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन शायद तुलसी को कुछ नहीं होने देगा, तो वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वो कूद जाती है। तुलसी सिर्फ कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से मोहन का साथ मिल सके, और हुआ भी यही कि जब तुलसी छत से कूदी तो उसे मोहन ने थाम लिया, क्योंकि वो जानती थी कि मोहन उसे जरूर बचाएगा। अब तुलसी के कारण गुनगुन और राधा के रिश्ते खराब होने लगे हैं। बस बंद करो तुम अपना ये नाटक, पर झूठ झूठ पर झूठ, तुम हमारे परिवार की भावनाओं के साथ खेलती रहोगी तो तुम्हें तो मैं राधा राधा तुम चलो मेरे साथ। गुनगुन को ये नहीं पता कि तुलसी उसकी रियल माँ नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। खैर, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा गुनगुन को भी समझ आ जाएगा कि तुलसी माँ रियल नहीं बल्कि डुप्लीकेट है। वैसे राधा को समझ आ गया है कि तुलसी के पीछे जो चेहरा है वो किसी और का नहीं बल्कि दामिनी का हो सकता है।
या राधा को सिखाना चाहती है सबक, मोहन को पाने का वो जो जुनून है उसमें उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत, क्या मैं जिंदा रहूंगी मरूंगी। वो बोलती है कि मैं मर भी जाऊंगी तो भी चलेगा, लेकिन मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी। तुलसी के इस ड्रामे से सभी का दिमाग गर्म हो गया, इसलिए तो सेट पर सभी आइसक्रीम खाते हुए नजर आए ताकि दिमाग को ठंडा कर सकें। खैर, अब देखते हैं कि तुलसी क्या नया ड्रामा लाती है और राधा उसका कैसे सल्यूशन निकालती है, यही तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पूर्णिमा, तुम जानती हो हमारा प्यार जो है जन्म जन्म तक का है, कयामत से कयामत तक। हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। हमारे रिश्ते के बीच कोई भी बाधा क्यों ना आ जाए, कोई हमें कितने भी अलग करने की कोशिश कर ले, पर हम तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। अब लाख प्लानिंग कर लो, लेकिन जो ऊपर वाला प्लान करता है जिंदगी उसी हिसाब से चलती है। अब देखिए झनक को, जिसने सोच लिया था कि बोस परिवार में वो कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन आज तो उसका अनिरुद्ध के साथ गृह प्रवेश हो रहा है। भले ही परिवार वालों की नजर में गृह प्रवेश की रस्म ना हो, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा खेल खेला है कि अनिरुद्ध के साथ झनक की घर में एंट्री हुई है और घर में प्रवेश होने के बाद अनिरुद्ध की आरती भी उतारी गई, जहां झनक भी मौजूद होती है। हालांकि घर वालों को शक है कि ये नर्स कुछ जानी पहचानी है, लेकिन किसी भी तरह झनक अपनी आइडेंटिटी छुपाने में कामयाब हो जाती है। कुछ शक तो रहे क्योंकि आवाज़ तो सेम ही है, तो शक की बात जाहिर है एंड झनक ट्राई कर रही है कि कंसील कर ले सच को, लेकिन नहीं हो पा रहा है अभी। लेट्स सी इन द फ्यूचर। आई जस्ट रियली होप कि बिना किसी तमाशे के झनक इस चीज़ से बाहर निकल जाए और घर से भी बाहर शांति से निकल जाए, किसी को कुछ पता ना चले। झनक खुद को दोषी मानती है कि उसी के वजह से अनिरुद्ध का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसने अब सोच लिया है कि जब तक अनिरुद्ध पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगा तब तक झनक इस घर में रहेगी, और जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा तब वो घर से चली जाएगी बिना कुछ कहे। घर के लोग झनक से कहते भी हैं कि अपने चेहरे से मास्क हटाए, लेकिन छोटौन सिचुएशन को संभाल लेता है और झनक का पर्दाफाश हुए बिना उसे घर में रहने के लिए जगह भी मिल जाती है। झनक मास्क पहन के उसने वापस से बोस हाउस में एंट्री की है, जहाँ पे उसने बोला था कि वो नहीं आएगी, बट सिचुएशनल है जिंदगी, मतलब उसकी सिचुएशन की डिमांड थी कि शी हैड टू कम बैक बिकॉज शी ओज इट टू अनिरुद्ध, क्योंकि अनिरुद्ध का एक्सीडेंट कहीं ना कहीं झनक की वजह से हुआ है, एटलीस्ट वो ऐसा मानती है बिकॉज दिल की अच्छी है वो, तो उसको लगता है कि उसको ये करना ही होगा अनिरुद्ध के लिए, और उसका जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसे उसके आसपास रहना पड़ेगा। अब कहानी में और भी ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अगर गलती से भी किसी ने झनक को देख लिया तब तो घर में एक नया हंगामा बरपा हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। राज, मैं एक बात से बहुत डरती हूँ। क्या? कि अपन दोनों हमेशा साथ तो रहेंगे ना, चाहे जिंदगी में कोई भी मोड़ आ जाए, आप कभी अपन का साथ तो नहीं छोड़ोगे? भीड़ में भी नहीं और मरकर भी नहीं। सच्ची? ना दिल में सुकून है ना आंखों में करार है, जब से हुआ वंदना को कुणाल से प्यार है।
आज वंदना अपने पति कुणाल से प्यार का इजहार करने जा रही है, वो भी बड़े ही रोमांटिक अंदाज में, कभी कार्ड देकर तो कभी घुटने पर बैठकर। वंदना को कुणाल से प्यार पहले से ही था, लेकिन वो अपना हाल दिल कभी कुणाल को सुनाया ही नहीं। हालांकि इश्क की आग सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ लगी हुई है, और कहते हैं ना, जब आग बराबर की लगी हो तो इश्क के अल्फाज दिल से होते हुए जबान पर आ ही जाते हैं। हमें बताते हैं कि आज वैलेंटाइंस डे है और वंदना को कहीं ना कहीं लगता है इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता अपनी दिल की बात बताने का, और इस स्पेशल दिन पे मैं कुणाल सर को अपनी दिल की बात बता, या मैं डांस के ज़रिए अपने गानों के ज़रिए कोशिश करती हूँ उन्हें बताने की, उसके बाद खुद घुटनों पे बैठ के कुणाल सर को प्रपोज करती हूँ। कुणाल और वंदना के पिछले कुछ दिन बहुत ही कठिन रहे, उससे उभरने के लिए आज ये दोनों एक कॉफ़ी शॉप पर आए हैं जहाँ वैलेंटाइन की खास सजावट की गई है। और भाई, प्यार वाला मंथ अभी गुजरा नहीं है और ऐसे टाइम को वंदना भला हाथ से कैसे जाने देती। वंदना के सामने मौका और दस्तूर दोनों हैं, इसलिए तो वंदना गाना गाकर कुणाल का दिल जीत लेना चाहती है। और वहीं कुणाल बाबू झटपट वंदना को अपना हाले दिल कह रहे हैं, और वहीं कुणाल बाबू ने ज्यादा वक्त ना लेते हुए उन्होंने वंदना को हाँ कह दिया है। एकजुट करती है अपनी हिम्मत और वो बोल देती है, और फिर कुणाल भी कह देता है उसे कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। तब बातें थी जो कुछ अनकही सी थी, लेकिन अब वो इजहार करती है और बात जो है दिल की वो बोलती है, कह देती है, और फिर कुणाल भी कह देता है। दोनों को रियलाइज़ हो गया है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बस मौका ही ढूंढ रहे थे, और वो बोल देती है पहले और फिर कुणाल बोल देता है। इश्क करना आसान है लेकिन उसे निभाना बड़ा मुश्किल, क्योंकि वो इश्क इश्क नहीं होता जिसे इम्तिहान से गुजरना ना पड़े, और शायद आगे चलकर इन्हें इसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़े, क्योंकि पम्मी और सोनिया दोनों के बीच दीवार बनने की जरूर कोशिश करेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।